हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू चैनल यूमी ऑन यूट्यूब। मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त दिव्या। आज मैं आपके लिए एक बहुत ही इजी और बहुत जल्दी बन जाने वाली रेसिपी लेके आई हूं, भरवा मिर्च की रेसिपी। इसे बनाना बहुत आसान है, बहुत टेस्टी लगती है। इसे आप मेन कोर्स में भी खा सकते हैं या फिर साइड सब्जी के रूप में भी इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर टिफ़िन में भी ले जा सकते हैं। तो रेसिपी अच्छी लगेगी तो लाइक शेयर कॉमेंट ज़रूर करना, और अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब किए बिना मत जाना, और हाँ, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करना ताकि आपको मेरे सारे वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। आप मुझे इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हो, जिसका हैंडल यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा होगा। तो चलिए देखते हैं रेसिपी कैसे बनती है। तो मैंने यहाँ पे 6 शिमला मिर्च लिया है, आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से ले लें। ये बीच के साइज़ के शिमला मिर्च हैं, बहुत बड़े ना लें। साथ में लिया है मैंने उबले हुए आलू, 3 से 4 आलू हैं, छिलके उतार के मैंने मैश कर लिया है। पनीर हम साथ में लेंगे, इसे मैंने बिल्कुल बारीक क्यूब में काट लिया है, इससे स्वाद बहुत अच्छा आएगा। और साथ में लिया है मैंने प्याज, एक मीडियम साइज़ का है, उसे बारीक चॉप कर लिया है। अदरक थोड़ा सा चॉप कर लिया है 1 इंच, और 3 से 4 हरी मिर्चें चॉप करके ले ली हैं। उसके बाद हम 3 से 4 चम्मच मस्टर्ड ऑयल लेंगे एक पैन में, और इस तरीके से फैला लेंगे। और जैसे ही मस्टर्ड ऑयल गर्म हो जाता है, उसमें मैंने डाला है 1 छोटे चम्मच जीरा। ज़ीरा को हम कुछ सेकेंड्स के लिए भुनेंगे, और उसके बाद हम अदरक और हरी मिर्च इसमें डाल देंगे, और इसको भी हम बस 10-15 सेकेंड्स के लिए भुनेंगे ताकि थोड़ा कच्चापन निकल जाए उसका। और उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे अनियन, जो हमने चॉप करके रखा है। अनियन आप इसमें कम ज़्यादा डाल सकते हैं, 1 या 2। इसको हम तब तक भून लेंगे जब तक कि इसका कलर अच्छा सा नाइस गोल्डन कलर ना इस पर आ जाए, तब तक हम इसको फ्राई कर लेंगे। और आज इस समय आप लो टू मीडियम रखें। तो ये देखिए अच्छा सा कलर आ गया है इस पर, नाइस गोल्डन कलर आ गया है। अब मैं क्या करूँगी कि मैं यहाँ गैस बंद कर दूँगी, और हमें सारे सूखे मसाले फिर इसमें ऐड करने हैं। तो जनरली मैं जब सब्जी बनाती हूँ तो पानी ऐड करती हूँ, लेकिन मैं यहाँ पे पानी नहीं ऐड करूँगी, तो इसके लिए मैंने गैस ऑफ कर दिया है ताकि मसाले ना जलें। फिर मैंने इसमें हल्दी, मिर्ची पाउडर 2 चम्मच, धनिया पाउडर और जीरा पाउडर 1 चम्मच डाला है, और इन सभी मसालों को हम इस प्याज के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मैंने गैस इसीलिए बंद कर दिया था, और गरम मसाला 1 चम्मच के बराबर डाल रही हूँ। इन सभी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर देंगे, गैस हमारी बंद है तो मसाले जलेंगे नहीं। और जैसे ही बस हम इनको मिला लेंगे इनके साथ, प्याज के साथ, उसके बाद हम क्या करेंगे, आलू ऐड कर देंगे। और अब हम अपना गैस जो है वो ऑन कर देंगे। तो अब हम इस आलू को मसाले के साथ अच्छे से बिल्कुल मिला के मैश कर लेंगे। जो थोड़े बहुत टुकड़े रह गए हों उनको भी हम इस तरह से चलाते चलाते मैश करते जाएंगे ताकि अच्छा सा एक पेस्ट तैयार हो सके। हमें जो स्टफिंग करनी है शिमला मिर्च के अंदर, वो हम इसमें तैयार कर रहे हैं। तो ये देखिए मैं थोड़ा थोड़ा मैश भी करते जा रही हूँ ताकि जो बड़े टुकड़े रह गए हैं वो अच्छे से इसमें मैश हो जाएँ। तो याद रखिए इसमें कद्दूकस ना करिएगा, इसी तरीके से हाथों से मैश करके करिएगा। और मैं यहाँ पे अमचूर पाउडर डाल रही हूँ थोड़ा सा, 1 चम्मच के बराबर, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आएगा स्टफिंग में। और अब मैं डाल रही हूँ स्वादानुसार इसमें नमक, तो मैंने 1 से 1.25 चम्मच डाला है, क्योंकि ये स्टफिंग शिमला मिर्च के अंदर जाएगा और शिमला मिर्च की परत भी हम जब खाएँगे तो साथ में दोनों चीज़ों का नमक ठीक होना चाहिए, तो ज़्यादा डालें थोड़ा नमक। और मैं यहाँ पर पनीर डाल रही हूँ, अगर आपको पनीर नहीं पसंद है तो आप अवॉइड भी कर सकते हैं, स्किप कर सकते हैं, लेकिन इसको डालने से टेस्ट बहुत अच्छा आता है और बहुत रिच लुक भी आता है, रिच टेस्ट भी आता है। तो कभी मेहमान आ रहे हो तो आप ये रेसिपी ट्राई कर सकते हैं। तो इसको मैंने अच्छे से मिला दिया, मैं थोड़ा सा इसमें चाट मसाला भी डाल रही हूँ ताकि इसका जो टेस्ट है वो और इन्हेंस हो जाए। तो 1 छोटे चम्मच के बराबर इसमें चाट मसाला डालेंगे हम, और साथ में हम डाल देंगे धनिया पत्ती इसका स्वाद बढ़ाने के लिए। बस हम इसको मिक्स कर देंगे, और ये देखिए स्टफिंग तैयार है। तो गैस हम ऑफ कर देंगे और इसको ठंडा होने देंगे हम। तो हम चलते हैं, जब तक ये ठंडा होता है तब तक हम अपना शिमला मिर्च जो है उसे हम तैयार कर लेते हैं स्टफिंग के लिए। तो मैंने शिमला मिर्च को अच्छे से धो के पोंछ के रखा था। अब मैं क्या करती हूँ, इसकी जो डंडी है ऊपर वाली वो हम अलग कर देंगे, और चाकू की मदद से इसका जो बीच का पार्ट है टॉप, इसको हमें अलग करना है काट के। तो इसको हम सावधानी से इसको काट के हम बिल्कुल अलग कर देंगे।
अब आप देख सकते हैं अंदर काफ़ी सारा फाइबर है इसमें वाइट, तो ये हमें यूज़ नहीं करना है, तो ये हम काट के निकाल देंगे। तो उसके लिए आप एक चम्मच की डंडी ले सकते हैं या फिर चक्कू की मदद से आप अंदर का सारा वाइट पार्ट निकाल सकते हैं। तो ये देखिए मैंने निकाल दिया। इसी तरह हम सारे शिमला मिर्च के अंदर के जो वाइट पार्ट है उसको हम अलग कर देंगे। तो ये देखिए ये भी हो गया। इसी तरह हम सारे शिमला मिर्च तैयार कर लेंगे ताकि हम जो स्टफिंग भरें तो आसानी हो भरने में। तो अब हम चलते हैं, हमारा जो फिलिंग है वो ठंडा हो गया है, तो अब हम एक एक शिमला मिर्च में इसको हम भरना स्टार्ट करते हैं। तो चम्मच से हम लेंगे और उसके बाद अंदर आप या तो उंगली की मदद से या तो चम्मच की जो डंडी है उसकी मदद से आप इसको वॉल के साइड में, जिधर मतलब शिमला मिर्च सेंटर से वॉल की तरफ हम इसको पुश करते जाएंगे ताकि जो स्टफिंग है वो दीवारों तक अच्छे से पहुँचे। अदरवाइज सिर्फ बीच में रह जाएगी और दीवारें बिल्कुल खाली खाली रहेंगी, तो ना ही शिमला मिर्च देखने में अच्छा लगेगा स्टफ्ड और ना ही खाने में मज़ा आएगा। तो स्टफिंग अच्छे से भर जाए पूरे में, इसके लिए हम इस प्रोसीजर को करेंगे। डालते जाएंगे और दीवार की तरफ पुश करते जाएंगे जब तक कि सेंटर में जगह ना बन जाए। तो उसके बाद फिर हम सेंटर को भी फिल कर देंगे और फिर उसके बाद हम इसको टॉप में इस तरह से सील कर देंगे ताकि स्टफिंग बाहर ना निकले। तो ये देखिए हमारा शिमला मिर्च तैयार है, इस तरह से हम स्टफिंग कर दें। तो इसी तरीके से हम सारे शिमला मिर्च को स्टफ कर लेंगे। तो ये देखिए मैंने स्टफ़ करके रख लिया है, कितने सुंदर लग रहे हैं। अभी से इतने सुंदर लग रहे हैं कि फ्राई करने का मन नहीं कर रहा है, क्योंकि फ्राई करने के बाद इनका कलर जो है वो थोड़ा चेंज हो जाता है। तो मैंने उसी पैन का यूज़ किया है, उसमें 2 से 3 चम्मच ऑयल डाला है और उसको फैला देंगे। इसमें बहुत ज़्यादा ऑयलिंग की ज़रूरत नहीं होती है, आप डीप फ्राई बिल्कुल ना करना। तो थोड़ा सा बस तेल डाल के मैंने सभी शिमला मिर्च को इस तरीके से प्लेस कर दिया है कढ़ाई में, और उसके बाद हम इसको एक ढक्कन लगा देंगे और धीमे धीमी आंच पे हम इसको सुनहरा होने तक सेकेंगे। लेकिन ध्यान रखें ये शिमला मिर्च की जो परत होती है वो काफ़ी सॉफ्ट होती है, जल्दी पक जाती है, तो आप हर 2 मिनट में चेक करें और उसको पलटते रहें ताकि इसका जो कलर है वो जलने ना पाए। सुनहरा होने तक अच्छे से भून लेंगे हम इसको, फ्राई करेंगे ताकि ये पक भी जाए अच्छे से और इसका जो कलर है वो भी बहुत अच्छे से आए। तो इसके लिए हर 2-3 मिनट में आप चेक करते रहें, ढक्कन हटाते रहें और उसको फ्लिप करते रहें। तो बाद में जब ये पक जाता है पहली बार, उसके बाद जब हम ढक्कन लगाएंगे थोड़ा गैप रखिए ताकि जो एयर है वो निकल सके। इससे जो है इसमें एक सुनहरापन आएगा और एक सोंधा सोंधापन आएगा भरवा शिमला मिर्च में। तो ये देखिए हमारे शिमला मिर्च पक गए हैं। 10 से 15 मिनट लगता है इनको पकने में, तो इसे आप बहुत अच्छे से इंजॉय कर सकते हैं पराठा रोटी पूड़ी के साथ या फिर दाल चावल के साथ। तो रेसिपी आपको कैसी लगी लाइक शेयर ज़रूर करिएगा, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। मैं मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक स्टे हेल्दी स्टे हैप्पी, कीप वॉचिंग माई वीडियोज़। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर, लव यू।